किया था राइट तो अगर आपने वो दोनों लेसंस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू देम ताकि आपको आगे के लेसंस प्रॉपर्ली समझ आएं राइट तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के साथ और इसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि रिमाइंडर किस मैथमेटिकल ऑपरेशन में आता है रिमाइंडर हमारा डिवीजन में आता है जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो राइट right? तो जैसे यहाँ देखो हम लोग सिंपल सिंपल एक simple करते हैं 126 4, right? तो 126 डिवाइडेड बाय 4 राइट तो को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 4 थ्री ट्वेल्व एंड सिक्स एंड वन एंड फोर तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है इस केस में तो, तो ये हमारा रिमाइंडर है इसको ये जो ये बाहर ब्रैकेट के बाहर टर्म है इसे हम बोलते हैं डिवाइजर और इस टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम बोलते हैं डिविडेंट और दिस इज नोन एज पोशंट मुझे पता है कि मैं आप लोगों को केजी फर्स्ट वाली चीजें बता रही हूं पर ये याद रखना बहुत जरूरी है जब हम पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पोलिनोमियल्स में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमें एक्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि हम कौन से टर्म तो को क्या बोलते हैं राइट right? और डिविडेंड डिवाइजर और रिमाइंडर के बारे में एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि द डिवाइजर इज ऑलवेज लेस देन द डिविडेंड एंड द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर तो जहां हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से कम आ गया वहां हमारी डिविजन uh, जो है वो स्टॉप हो जाएगी राइट तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से द डिवाइजर इज लेस द द एंड देशर इज लेस दैन द सॉरी एंड द द रिमाइंडर इज लेस डिवाइजर राइट तो अब हम पोलिनोम की डिविजन uh, पे चलते हैं पहले सबसे पहले तो पोलिनोम की डिविजन हम लोग किस तरह से करते हैं ये हम चेक करते हैं, राइट तो इसमें डिवाइजर होगा हमारा x, जो कि इस पॉलिनोमियल से छोटा है, तो ये डिविडेंड हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट right? So लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि x क्यूब डिवाइडेड बाय x हमारा क्या आएगा तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स आ गया एक्स स्क् राइट तो यहाँ uh, आ जाएगा तो तो जब हम इसकी sign change करते हैं तो ये राइट right? फिर दोबारा और टर्म्स नीचे ले आते हैं हम अपनी माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन राइट तो अब देखते हैं माइनस फोर एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस फोर एक्स राइट सो इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी माइनस माइनस फोर ऑफ एक्स यहाँ लिख लेते हैं माइनस फोर एक्स अब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे तो so, ये हमारी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी अगेन टू एक्स प्लस वन राइट right, तो नॉर्मल डिविजन की तरह है आपको पता है कि नॉर्मल डिविजन हम लोग किस तरह से करते हैं उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे इजी से स्टार्ट करते हैं सो so हमें पता रहे कि किस तरह से हम लोग वो मूव फॉरवर्ड करना है तो अब यहाँ देखो कि जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आ गया है तो हमारा प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाएगा राइट तो रिमाइंडर आ गया वन ये क्वेश्चन और ये हमारा डिवाइजर और डिविडेंड राइट तो ये हमारी डिविजन है इन केस ऑफ कॉलिमिय एक और क्वेश्चन अब हम ये वाला आप खुद सॉल्व करोगे बहुत सिंपल है यहाँ पे क्या एक और मेथड है जिससे हम लोग डिविजन कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में डिवाइड करते हैं राइट इस ईजियर मेथड से वैसे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो राइट तो टू एक्स क्यूब प्लस, प्लस एक्स स्क्वास डिवाइडेड बाय एक्स तो हर एक टर्म से इंडिविजुअली डिवाइड कर लो प्लस एक्स अपॉन एक्स राइट तो क्या आ जाएगा ये? ये आ गया एक्स स्क् टू एक्स पे एक्स और यहां पे वन तो क्या हो? हमारा कोश जो हमारा डिनोमिनेटर है वो वन आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि दिस नंबर कंप्लीटली डिवाइड तो अब ये देखो अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स है इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्स और टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दोनों ही हमारे क्या होंगे दोनों हमारे फैक्टर्स होंगे ऑफ द गिवन पोलिनोम इसके फैक्टर्स निकलेंगे क्यों देखो कि क्या क्या होते हैं फैक्टर्स फैक्टर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर की को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं तो यहाँ अगर हम टू एक्स क्यूब सॉरी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो की हमारा क्वेश्चन अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिविडेंड uh, आ जाएगा मतलब कंप्लीटली डिवाइड होता है तो टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्स एक्स आ गया इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है ये इसके फैक्टर्स है और ये जो नंबर है ये इन दोनों का मल्टीपल है ठीक है नंबर टर्म्स में भी समझ लेंगे अभी एक बार तो यही द रिमेन्डर हेयर इज जीरोक्स एंड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर गोइंग टू बी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर ठीक है राइट right, तो अब एक बार ढंग वैसे आई होप मोस्टली आपको पता होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं बट इवन देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू वंस तो ये देखो अगर हम सिक्स इंटू फाइव लिख रहे हैं सिक्स इंटू फाइव इज इक्वल टू थर्टी तो सिक्स और फाइव क्या आ जाएंगे दोनों थर्टी के फैक्टर्स आ जाएंगे और थर्टी क्या आ जाएगा फाइव और सिक्स का मल्टीपल तो देखो अगर हम थ्री का टेबल सपोज लिखना स्टार्ट करते हैं थ्री वन जी वन जी थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री ज नाइन एंड सोन ठीक है तो अब ये अगर हम लिखते हैं तो क्या है सबसे पहले ये देखो थ्री और टू क्या होंगे दोनों फैक्टर्स होंगे किसके सिक्स के और सिक्स क्या होगा मल्टीपल होगा थ्री का भी और टू का भी क्योंकि ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन टेबल में सिक्स आता है थ्री के भी टू के भी तो अगर हम फैक्टर्स लिखे सपोज हम सिक्स के फैक्टर्स लिख रहे हैं तो सिक्स के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे एक तो वन टू थ्री और सिक्स क्या आ गए हमारे फैक्टर्स ऑफ सिक्स ये सारे हमारे के फैक्टर्स हैं और अगर हमें थ्री के मल्टीपल्स लिखने हैं तो थ्री के मल्टीपल्स क्या होंगे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व जो भी थ्री के टेबल में आते हैं तो ये मल्टीपल्स होते हैं और ये फैक्टर्स होते हैं ठीक है तो इन दोनों ही केसेस में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा जीरो राइट right? तो अब देखो डिवाइड करके देखते हैं एक बार नॉर्मल डिवीजन से वो हमारा सिंगल टर्म था जिसमें जो हमारा डिवाइजर है वो सिंगल टर्म था अब यहाँ पे हमारा डिवाइजर जो है वो क्या है डबल टर्म है तो डबल टर्म से किस तरह से डिवाइड करते हैं अपना डिवाइजर और डिविडेंड हम लिख लेते हैं टू एक्स स्क्वाइनस फाइव एक्स माइनस वन राइट तो पहले टू एक्स स्क्वायर को एक्स डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स तो टू एक्स इसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है जब हम वापस मल्टीप्लाई करें तो एक से करके नहीं छोड़ देना सिर्फ डिवाइड में फर्स्ट का चेक करते हैं मल्टीप्लाई में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स इंटू एक्स आ गया टू एक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू माइनस थ्री के आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स तो यहां साइन चेंज ये कैंसिल और ये आ गया एक्स माइनस वन तो यहाँ पे एक्स को एक्स से करेंगे तो वन आ जाएगा x माइनस थ्री तो ये साइंस चेंज तो ये आ गया हमारा टू रिमाइंडर क्या आ गया रिमाइंडर इज गोइंग टू बी टू राइट तो इसका मतलब क्या आ गया कि x माइनस थ्री इज नॉट अ फैक्टर ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन तो यहां पूछा नहीं है पर मैं रिलेट कर रही हूँ सो दैट आगे जाके आप लोगों को इजीली समझ आ जाए राइट right? तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करेंगे सिमिलर ग्राउंड्स पे करना है जैसे हमने पहला वाला किया है उसी तरह से आपको ये वाला भी सॉल्व करना है राइट और चेक कि इसका रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं आता राइट अब देखो अब हम एक्चुअल में अभी तक हमने डिवीजन सीख लिया अब हम एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम पे मूव करते हैं राइट तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डिविडेंट अगर हम डिविडेंट को किस तरह से लिख सकते हैं डिविडेंट इज इक्वल टू इनटू डिशंट प्लस रिमाइंडर जैसे वो हमने 126 डिवाइडेड बाय 4 किया था किया था ना फर्स्ट तो उसमें हमारा रिमाइंडर क्या आया था रिमाइंडर वाज़ 2 एंड क्वेश्चन वाज़ 31। तो उसको इस तरह से लिख के देख लेते हैं डिविडेंड क्या है हमारा डिविडेंड है 120

क्या ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है स्टेटमेंट पढ़ो जी एक्स आर टू पोलिनो सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ वी कैन फाइंड आउट एंड अगर हमें दो पोलिनोम जी एक्स जिसमें से पी एक्स का जो डिग्री है दैट इज ग्रेटर तो हम लोग इजिली क्यू एक्स और आर एक्स को निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से पी एक्स इज इक्वल टू जीएक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स इसमें ज्यादा याद रखने वाला कुछ नहीं है क्योंकि ये अगर आप एक स्टेटमेंट याद रख लेते हो तो इजी हो जाता है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे पीएक्स क्या है पीएक्स हमारा डिविडेंड है जीएक्स हमारा डिवाइजर है क्यूएक्स हमारा कोशेंट है और आरएक्स क्या है आरएक्स हमारा रिमाइंडर है राइट right? तो ये हमारा इस तरह से हम लोग Qx और आर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें दो पोलिनोम गिवन है तो करेक्ट अब रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है इन रियालिटी वो हमें ये बोलता है कि लेट px बी एनी पोलिनोम ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू वन तो सबसे पहले हमारी डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ पी एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू वन राइट एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर ए किस में आ रहा है एक हमने पी ले लिया एक हमने जी ले लिया जी क्या है एक्स माइनस ए तो यहाँ पे ए क्या है रियल नंबर है तो जो हमारा रिमाइंडर है रिमाइंडर हमेशा पी ऑफ ए के इक्वल आएगा राइट right? तो वो हमारा जो पहले वाला स्टेटमेंट uh, था जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं तो क्या बोल रहा था वो पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स तो यहाँ पे क्या करते हैं पी ऑफ ए निकाल लेते हैं राइट पी ऑफ ए निकाल लेते हैं तो पी ऑफ पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह में एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स अब पी ऑफ ए अगर हम लोग निकालेंगे तो पी ऑफ ए इज गोइंग टू बी ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए तो ये तो जीरो आ गया तो so, क्या आ गया हमारा आर ऑफ ए जो कि क्या है ए हमारा कांस्टेंट है राइट right? तो so, अगर हमारा जी एक्स कोई भी ऐसी टर्म है एक्स माइनस ए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर हमेशा आर आएगा आर का मतलब कांस्टेंट नंबर द रिमेंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट नंबर राइट तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है बेसिकली कुछ नहीं बोल रहा है PX एक polynomial है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन है जी एक्स एक और पॉलिनोम एक्स माइनस ए जिसमें ए जो है वो रियल नंबर है तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा और आर ऑफ ए हमारा हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा राइट right? तो ये चीज़ अब आगे के क्वेश्चंस के लिए आप याद रखोगे राइट तो यहाँ से हमारे ए की वैल्यू निकल जाएगी और अगर हम पी ऑफ ए निकाल लेते हैं तो वो पी ऑफ ए हमारा क्या मिल जाएगा हमें वहां से रिमाइंडर मिल जाएगा ठीक है ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है तो नाउ लेट्स मूव ऑन मूविंग ऑन ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं नाउ फाइंड द रिमाइंडर

पी ऑफ वन निकाल लेते हैं हम इसमें वन रेस टू दावर फोर प्लस वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन वन प्लस वन का क्यूब वन माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस वन राइट तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा तो यहां हमारा रिमाइंडर क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया टू यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी रिमाइंडर थ्योरम से ही हमारा आंसर आ गया राइट नाउ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स एंड देन वेरीफाई यूजिंग एक्चुअल डिविजन यहाँ पे एक्चुअल डिविजन से आपको बाद में इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो ए की इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस फोर तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस फोर अब हमें एफ ऑफ माइनस फोर निकालना तो है 4, तो सब्सटीट्यूट करो यहाँ सारी जगह में एक्स की जगह माइनस फोर तो माइनस फोर क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस फोर स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस फोर प्लस टेन माइनस सिक्सटी फोर प्लस फोर इंटू सिक्सटीन माइनस थ्री इंटू माइनस फोर ट्वेल्व प्लस टेन राइट तो माइनस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर प्लस ट्वेल्व प्लस टेन तो ये कैंसिल हो जाएगा आंसर आ गया हमारा ट्वेंटी टू तो रिमाइंडर थ्योरम से हमारा आंसर क्या आ गया ट्वेंटी टू अब इसी को नॉर्मल डिवीज़न से हम लोग को एक बार सॉल्व करके चेक करना है तो so, वो भी कर लेते हैं सबसे पहले डिविडेंट लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वास क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री एक्स प्लस टेन ये हमारा डिविडेंट और हमारा डिवाइजर क्या है x प्लस फोर राइट तो डिवाइड कर लेते हैं सबसे फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर सब ट्रैक करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो आ गया जीरो अब इनको नीचे ले आओ माइनस थ्री एक्स प्लस टेन तो माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व साइंस चेंज तो आंसर क्या आ गया ट्वेंटी टू तो रिमाइंडर इन बोथ द केसेस इज गोइंग टू बी ट्वेंटी टू आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि पूछा क्या है राइट right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक वेदर द ऑफ ऑफ इज अ मल्टीपल दिस तो मल्टीपल चेक करना है तो ये हमें पता है कि इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए रिमाइंडर आना चाहिए जीरो अब आप लॉन्ग डिविजन मेथड से करो या रिमाइंडर थ्योरम से इट इज टोटली अप टू यू यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे अगर हम टू टी प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमारी यहाँ पे टी की वैल्यू निकल आएगी जिसको हमने इस क्वेश्चन में पुट करना है तो टू टी प्लस वन यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय टू तो अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है क्यू ऑफ माइनस वन बाय टू पुट करते हैं फोर इंटू माइनस वन बाई टू का क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस माइनस वन बाई टू माइनस वन राइट तो ये आ जाएगा फोर माइनस फोर इंटू वन बाय एट प्लस फोर इंटू वन बाय फोर प्लस वन बाय टू माइनस वन तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस वन बाई टू माइनस वन तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये देखो सेम टर्म्स के ऑपोजिट साइड है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे हमारा आंसर निकल आया जीरो तो दिस मीन्स कि टू टी प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू टी एंड क्यू टी इज अ मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस वन राइट तो ये आ गया हमारा जीरो uh,

और फिफ्थ वाला सॉल्व कर लेते हैं बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेना ठीक है यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट वाले में मैं आपको फटाफट से हिंट दे देती हूँ फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस वन सब में क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें एक, और उसको एक्स की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको सारे इक्वेश्स को जीरो uh, के इक्वल पुट करना है तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी वहां से तो यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस वन यहाँ x की वैल्यू वन बाई टू और यहाँ x की वैल्यू माइनस फाइव सिर्फ पुट करना है और रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं x क्यूब मिनट uh, हम लोग क्या करेंगे सीधा हम लोग पी ऑफ अब यहां देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कांस्टेंट तो है नहीं तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी जीरो तो जीरो पुट कर लेते हैं p ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का क्यूब जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे ये जीरो फर्स्ट टर्म जीरो सेकेंड टर्म जीरो एंड थर्ड टर्म जीरो तो इसका क्या आ जाएगा वन तो रिमाइंडर क्या है हमारा यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है वन लास्ट अब लास्ट वाला पोर्शन करते हैं यहाँ पे एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे फाइव प्लस टू एक्स ज इक्वल टू जीरो तो एक्स आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू राइट तो पुट करते हैं माइनस पी ऑफ माइनस फाइव बाई टू जस्ट अ सेकेंड पी ऑफ माइनस फाइव बाई टू हमारा क्या हो जाएगा Uh, yes, P of minus 5 बाई 2 इज गोइंग टू बी इक्वल to पुट करो माइनस फाइव बाई टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाय टू प्लस वन तो माइनस फाइव बाई टू ये आ जाएगा माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाई एट प्लस टू थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव राइट तो थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय फोर प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा यहां पर माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन राइट right? तो ये माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाई एट प्लस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय फोर माइनस फिफ्टीन बाय टू प्लस वन राइट तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले, ले लेते हैं इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा एट माइनस वन ट्वेंटी फाइव Plus one fifty plus one fifty minus forty five plus eight, right? Just a second, forty-five ni par sixty minus sixty plus eight. So minus one twenty-five plus one fifty minus sixty plus eight. राइट right? तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं वन फिफ्टी एट माइनस माइनस वन एटी फाइव डिवाइडेड बाय एट तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन एटी फाइव माइनस वन फिफ्टी एट राइट तो सेवन एंड टू ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय एट ये हमारा आंसर आ गया ठीक है तो ये हमने दोनों सॉल्व के लिए बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेना ठीक है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन नाउ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एक्स माइनस को जीरो पुट करके आ गई ए तो क्या ढूंढना है हमें हमें ढूंढना है पी ऑफ ए इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं माइनस ए माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए राइट तो ये कैंसिल हमारा आंसर क्या आ गया फाइव ए इस केस में हमारा रिमाइंडर आ गया राइट right? लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं तो क्या प्रूव करना है कि हमारा जीरो है। वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं सेवन माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री करते हैं uh, यहाँ पे गाइस क्यूब है स्क्वायर नहीं है। रियली सॉरी really नहीं क्यूब है यहाँ पे क्वेश्चन में राइट right? तो पुट कर लेते हैं पी ऑफ बाय थ्री, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ हमारा एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाय थ्री आ जाएगी तो पी ऑफ माइनस सेवन बाय थ्री चेक करना है तो थ्री इंटू माइनस सेवन बाय थ्री का क्यूब प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन बाई थ्री थ्री ये माइनस आ जाएगा Uh, 49 क्यूब निकालना है हमने इंटू सेवन तो 63 थ्री सेवन ट्वेंटी एट और 343 आ जाएगा हमारा क्यूब सो so, 343 फोर्टी डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सॉरी माइनस 49 divided by 3 डिवाइडेड बाय तो विच इज बस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें फैक्टर्स चेक करने तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस uh, नंबर तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर नो दिस इज नॉट अ फैक्टर ठीक है तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज ओवर वेरी इजी तीन चार पार्ट्स बचे हैं वो बहुत बहुत ही बेसिक है शायद उसमें से एक आधी चीज तो हम कर भी चुके होंगे ऑलरेडी तो आपको बस पुट करके सॉल्व करना है राइट right? तो ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है ये बुक में नहीं है ये एक्स्ट्रा है तो हम लोग इसको एक बार ट्राई करते हैं राइट right? तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम x माइनस टू ए को जीरो पुट कर लेते हैं यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगीवल टू टू ए अब क्या करना है सिर्फ यहाँ पे पुट करना है और क्या करना है अब ये देखो फैक्टर लिखा है तो जो हमारा यहाँ से रिमाइंडर निकलेगा उसको हमें सिर्फ जीरो पुट कर देना है तो पी ऑफ टू ए निकाल लेते हैं पी ऑफ टू इक्वल टू 2 into 2a raised to the power 4 minus 4a into 2a ka cube plus 7 into 2a square minus 13a into 2a minus 18. Right? So 32a raised to the power 4 minus uh, 2 2s are 4 2s are 16 into 4 64. जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे हाँ थर्टी टू आएगा सिक्सटी फोर ए रेस टू दावर प्लस ट्वेंटी एट ए स्क्वायर ट्वेंटी एट ए स्क्वा माइनस ट्वेंटी सिक्स ए माइनस एटीन राइट तो ये क्या आ जाएगा uh, यहाँ पे हमारा यहां हमारा थर्टी टू आ गया और यहां पे हमारा सिक्सटी फोर राइट मूविंग ऑन ये आ जाएगा हमारा माइनस थर्टी टू ए रेस टू दावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस एटीन ठीक है ये आ गया हमारा राइट right? तो अब हम क्या करेंगे गाइस यहाँ पे टू ए है राइट सॉरी यहाँ पे टू इंटू जस्ट अ सेकेंड यहां पर हमारा आएगा uh, three, हाँ यहाँ पे हमारा ए आएगा ओके okay? यहाँ हमारा एक ए आएगा और तो इधर हमारा नो सॉरी ए नहीं यहाँ पे हमारा फोर ही आएगा राइट इट इज गोइंग टू बी फोर राइट फोर आएगा तो ये आ जाएगा हमारा जस्ट सेकेंड गाइज कुछ एरर आ गया है इसमें आई गेस yes, तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है इसमें टू है तो इधर भी हमारा टू ही आएगा राइट right? यस yes, तो यहाँ पे ये हमने एक एरर कर दिया है यहाँ पे यहाँ पे थर्टी टू आएगा इधर भी राइट एट इंटू एट इंटू फोर थर्टी टू आएगा यहाँ सिक्सटी फोर नहीं आएगा इधर थर्टी टू आएगा राइट यस थर्टी टू ए रेस टू द पावर फोर अब ये देखो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैंसिल होके यहाँ जीरो आ गया तो टू ए स्क्वायर माइनस एटीन हमारा रिमाइंडर आ गया अब इसको हमें जीरो पुट करना है और यहां से ए की वैल्यू निकल जाएगी ए स्क्वाइर इज इक्वल टू नाइन एंड ए इज इक्वल टू अंडरूट ले लो यहाँ पर दोनों साइड में तो ये कैंसिल प्लस माइनस तो चाहे हम प्लस ए लें या माइनस ए दोनों ही हमारे फैक्टर्स रहेंगे राइट तो इस तरह से हम लोग ए की वैल्यू ढूंढ लेते हैं ठीक है सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोम वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एड्यूस थैंक यू सो मच